बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, हम तो इस काबिल न थे, ये कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, अर्श से इस फर्श पर हम खेल देखन आ गए, अर्श से इस फर्श पर हम खेल देखन आ गए, खेल में हम ऐसे खोए, खेल में हम ऐसे खोए, सुध रही ना आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, हम तो बांधे हैं हुकुम के और हुकुम है आपके हाथ, हम तो बांधे हैं हुकुम के और हुकुम है आपके हाथ, चाहे रखो या ले चलो तुम, चाहे रखो या ले चलो तुम, आगे है मर्जी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, हाथ पकड़ा दूल्हाने मैं सुहागिन बन गई, हाथ पकड़ा दूल्हाने मैं सुहागिन बन गई, इश्क दीजे मोहे अपना, इश्क दीजे मोहे अपना, मैं हूँ अंगना आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, हम तो इस काबिल न थे, ये कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
परम श्रद्धेय आप समस्त सुंदर साजी को रचना सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारी सुंदर साजी, हमने पहले ही श्रवण किया है कि धनी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे से पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब तक प्राण और इस शरीर का संजोग है, यही उत्तमाति उत्तम बेला है, संजोग है जिसको अमर बेला, अमृत बेला, अमृत घड़ी आदि आदि नामों से पुकारा गया है। स्वयं श्री प्राणनाथ जी इसको अमृत में घड़ी बताते हैं, क्योंकि इसी समय के अंदर जितना हम धनी नाम स्मरण करते हुए अपने मन को एकाग्र चित्त कर लेते हैं, उतना ही जीवन के अंतिम क्षणों के अंदर हमारा मन धनी चरणों से दूर हटेगा नहीं, फिसल नहीं पाएगा। और अगर हमने अभी से अपनी सुरता को साधना शुरू न किया हो तो ये मन फिर कहाँ लगने वाला था, ये तो वैसे ही चंचल है। साधना का अपना समय है, और जब जागे वहीं से सवेरा समझते हुए इस साधना करने के लिए, मन को एकाग्र चित्त करने के लिए और कोई मुहूर्त को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसी संदर्भ में महामति श्री प्राणनाथ जी श्रीमुख वाणी के अंदर में एक बहुत सुंदर प्रकरण के द्वारा हम आप साधक आत्माओं को अवगत कराते हैं। परंतु धनी जिस सुंदरता से यह कार्य करते हैं तो वे स्वयं के आत्म को संबोधन करते हैं, और इसीलिए हम सभी को संबोधन न करते हुए सर्वप्रथम उन्होंने अपने आप को ही संबोधित किया है और कहते हैं, रे मन भूलना महामत। हे महामति दर्जा में पहुंची हुई इंद्रावती सखी, हे मेरे मन तू भूल ना। तो इसी विषय में धनी अपने मन को एकाग्र करने के लिए किस तरह से इस मन को समझाते हैं और अपने कार्य में लगाते हैं, यही वाणी के अंदर में श्री प्राणनाथ जी ने इस बात का खुलासा किया हुआ है। तो आइए प्यारे सुंदर सांत जी, धनी श्री प्राणनाथ जी की इस मार्मिक वाणी को श्रवण करें, और सर्वप्रथम हम श्री राज चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस मन को वे बातुनी दृष्टि खोल करके, जिसके द्वारा हम उनकी मेहर को देख पाएं, अनुभव कर पाएं, ऐसी दृष्टि प्रदान करें। तो आइए हम श्री राज श्यामा जी के चरणों में विनंती करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम नागुदो चरण को धनिये न छड़ायो क्षिणा, नाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवना, मेरे जीव के एही जीवना, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना, पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम वंदनीय वाणी आचार्य ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरणारविंद में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम। सहु सुंदर साज जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए आज की मजल का शुभारंभ करते हैं।
अहिनी सावे सहुड़ा अंग में, फिर दिलड़ा हुआ दीवाना। महामत प्रेम खेले प्यासों, ए मद है मस्ताना, ए मद है मस्ताना। रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभार। श्री किरणतन ग्रंथ के 24वें प्रकरण के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी हम आप से संबोधन करने के पूर्व ही अपने आप को संबोधन करते हुए इस बात को समझाते हैं कि हे मेरे मन, हे महामती के मन, भूलना इस प्रकार से भूलना नहीं कि तू किस भूम में है, तुझे यहाँ पर कौन सा कार्य करना है और किसके लिए वह कार्य करना है, बिना इस बात को भूले। अपने आप को सर्वप्रथम दृढ़ कर ले, लेकिन मन को दृढ़ करने के पहले भी एक और बात की आवश्यकता होगी, और वह क्या है? दुनिया देख तू आप संभार। हे मेरे मन, इस दुनिया को तो तू पल पल देख ही रहा है कि इस दुनिया की गतिविधि कैसी है, ये दुनिया कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये भी सतगुरु स्वरूप के दिव्य तारतम ज्ञान ने बताया, शास्त्रों ने बताया कि संसार की उत्पत्ति मृगजल के जैसी ही है। स्वप्न है तब तक ये दृष्टि में आता है, लेकिन जब स्वप्न पूर्ण हो जाए और कोई जागृत में उठ खड़ा हो तो इस संसार का अस्तित्व भी नहीं रहता है। ऐसे संसार को देखते हुए अगर हे महामत तेरा मन इसे संसार के विभिन्न विषय वस्तुओं के अंदर, विभिन्न पदार्थों के अंदर, यहाँ के अच्छे बुरे के अंदर अगर जो फंस जाता है तो भूल किसकी होगी। वैसे मन तो ऐसा ही चंचल है और मन तो यही चाहता है कि मैं यहाँ के सुख दुख को भोगू और देखूं, किंतु इस मन के पीछे पीछे अगर सोच समझ रखने वाली बुद्धि भी चली जाए, अगर इस मन के पीछे जीव भी बंधन में आकर के पड़ जाए, तब इस मन के कारण ही उस जीव की क्या दशा होगी, वह भी बारंबार जन्म मरण के चक्र के अंदर में पड़ा ही रहेगा। तो इसीलिए समय रहते ही श्री प्राणनाथ जी सर्वप्रथम अपने आप को संबोधन करते हैं कि इस दुनिया की गतिविधि को तू देख, दुनिया के चाल चलन व्यवहार को तू देख और स्वयं अपने मन को संभार ले। क्या ये मन संभला हुआ है? अगर हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं तो ये मन संभला हुआ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का जो चंचलपन का गुण है वो अभी भी गया नहीं, ये अभी भी स्थिर हुआ नहीं। किंतु फिर ये प्रश्न उठ जाता है कि इस मन को हम स्थिर कैसे करें? जो स्वाभाविक रूप से ही चंचल है, जिसके लिए स्वयं श्री प्राणनाथ जी संबोधन करते हैं, हे चाक चक्रड़ा। कुंभार के पास चक्र होता है जिसके ऊपर वह मिट्टी को रख करके सुंदर घड़े का आकार देता है, वो चक्र न घूमे न फिरता रहे तो फिर घड़ा बना नहीं सकेंगे, किंतु जितनी गति और वेग से वह चक्र घूमता है उससे कईयों गुना वेग से हमारा मन घूमता है, भ्रमण करता है। और तो और यहाँ के सुख दुख के अंदर वह हमेशा अपने आप को एक अंग मान लेता है, अनुभव करने लग जाता है। तो इसीलिए ये मन स्थिर नहीं होता, इस चंचल मन को ठिकाने लगाने के लिए ही इस प्रकरण के अंदर श्री प्राणनाथ जी मार्गदर्शन भी करेंगे। हे साथ जी, जब हम निरंतर रूप से हमारे धाम धनी की लीलाओं को श्रवण करते हैं, श्रवण करने के द्वारा हम अपने कानों से और अपने आंखों से उनकी लीलाओं को देखते हैं, और जब ये लीलाओं को हमने श्रवण किया
तो उन्हीं लीलाओं के माध्यम से हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय तक परमात्मा विराजमान होते हैं, वहां प्रवेश कर जाते हैं। जब हमारे हृदय के अंदर पर ब्रह्म परमात्मा इस प्रकार से निवास करें तो उनकी ही भक्ति भावना हमारे दिल में आ जाती है, यही प्रेम का नाता उनके संग में जुड़ जाता है। जब प्रेम और भक्ति का नाता जुड़ जाए तो ये मन को क्या चाहिए, ये मन उसी भक्ति में फिर तल्लीन होने लग जाएगा। जब तक, मैंने पहले भी कहा था कि इस मन रूपी बंदर को भक्ति रूपी केला पकड़ा दीजिए तो ही वह स्थिर हो शांत होगा। तो ऐसे चंचल मन को ठिकाने लगाने के लिए जो सर्वप्रथम एक स्टेप होता है वो ये है कि हम परब्रह्म परमात्मा की विभिन्न लीलाओं को श्रवण करें। तारतम ज्ञान हमको दिखाता है कि किस प्रकार से धनी ने पांच बेर मुझ कारणे सागर में डारिया, आप पांच बेर आकर के अलग अलग लीलाएं की हैं। व्रज रास में आए, अरब देश में आए, इसी तरह जागने के ब्रह्मांड के अंदर श्री सतगुरु और श्री प्रेरणा जी के स्वरूप में पधारे हैं। श्री परमधाम के अंदर अष्ट प्रहर की लीला को वो खेलते हैं। ये सारी जो लीलाएं हैं वो किनकी लीला है, उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा की लीला है, उन्हीं स्वरूप की लीला है, जिसको श्रवण करने के द्वारा ही उन पर ब्रह्म का जो प्रेम है, जो भक्ति भावना है, वो हमारे दिल के अंदर उतर जाती है। माध्यम क्या है? कानों से उतरती है। इसीलिए जो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए पुराणों के अंदर कई प्रकार की कथाओं का वर्णन किया गया, जिसके द्वारा जब वे भगवत कथा को सुनेंगे तो श्रवण मात्र से ही उनके पाप धुलने लग जाते हैं। इस प्रकार की शक्ति उनके लीला में है, उनके नाम में है कि वह हमारे इस मन को एकाग्र चित्त करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। तो इसीलिए ही साथ जी, जब हम वाणी चर्चा अथवा जब हम सत्संग कीर्तन भजन चाहे किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, जब धनी श्री राजी महाराज की लीलाओं को हम श्रवण करते हैं, याद करते हैं, तो हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय तक उनकी ये सारी लीलाएं प्रवेश होती है। और लीला में तो श्री राजी रमते हैं, वह लीला का स्मरण जब हृदय में होगा तब धनी का स्मरण भी हृदय में होगा। जिस हृदय के अंदर श्री राजी है वह मन सोचिए, ये मन भी उससे लीला का स्मरण करेगा, ये मन भी शांति का अनुभव करेगा, और इसी शांति के द्वारा अब ये मन एकाग्र होगा कि मैं श्री राज चरणों में लग जाऊं, यहीं पर मुझको आनंद की अनुभूति होती है। Thus, one should constantly listen to the sin destroying glories of Shri Raji. जब हम ये पाप ये विकारों को धोने वाली कथा चर्चा को श्रवण करते हैं, इसी के द्वारा चित्त का अंतकरण का मैलपन भी दूर होने लग जाता है और हृदय के अंदर भी भक्ति भावना आकर के मन अत्यंत स्थिर और दृढ़ होने लग जाता है। तो हे साथियों, यहाँ श्री जी कहते हैं कि सर्वप्रथम हवे पेला मोह जलनी कहूं वात। मोह जल को देखिए, उसके अस्थिरपन को देखिए, धनी के गुणों को देखिए, धनी की लीला के अंदर की स्थिरता को देखिए, वादी प्रतिवादी की भांति ये दोनों नजर आएंगे। जब ये दोनों को आपने समझ लिया तो आप अपने मन को संभार सकेंगे, और यही तो हमें चाहिए कि ये मन जो चंचल है वो संभल जाए। ए ना ही दुनिया बावरी, परंतु जो अपील प्रार्थना जी कर रहे हैं,
जिस प्रकार से हम आपको आह्वान कर रहे हैं, क्या यही अपील, क्या यही बात का आमंत्रण श्री प्रेरणा जी हर किसी को दे पाएंगे? ये उन साधक आत्माओं के लिए है जो कि इस संसार से छूटना चाहते हैं, जो जान चुके हैं इस संसार की वास्तविकता के विषय में। तभी तो कहा कि पहले दुनिया को देख, अपने आप को संभाल। एक बार हमने दुनिया को सही दृष्टि से पहचान लिया कि ये कैसे अस्थिर दुनिया है, कैसा अस्थिर व्यवहार है, इसको देखने के पश्चात हे साथ जी, अब श्री जी कह रहे हैं कि ये दुनिया पागल दीवानी नहीं है, बावरी तो नहीं है। क्योंकि बावरी तो ये तब कहीं जाए जब वो कुछ गलत कार्य कर रहे हो। सी द पैराडॉक्स, प्रणा जी क्या बात कर रहे हैं, किस बात को इंकित कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश हम करते हैं। ए रचियो माया ख्याल, ये जो माया है ये एक भ्रम अथवा ख्याल के रूप में रची गई है। जब तक हम इसको देखते हैं तब तक ये विजिबल है, जब हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी उसके बाद, ये होने के बाद भी नहीं के बराबर हो जाती है। यही अंतर, फर्क, तफावत है हमारे दृष्टिकोण और महामती श्री प्रेरणा जी के दृष्टिकोण में। यही अंतर है एक सामान्य इंसान और महामती श्री प्रेरणा जी के अनुयायियों में, जो कि इस दुनिया को सब कुछ मान बैठते हैं, किंतु जहां सच्चे ज्ञान का प्रकाश हुआ, ऐसे महामती श्री प्रेरणा जी की बुद्धिमता क्या कहती है, ऐसे उनके अनुयायी किस मार्ग पे चलते हैं और इस संसार को क्या देखते हैं। ये अनुयायी सच्चे तारतम्य ज्ञान के मदद से जब देखते हैं, तारतम्य के चश्मे लगाकर जब देखते हैं, तो नजर में क्या आता है कि ये माया सच्ची नहीं है, इसको एक ख्याल के रूप में रचा हुआ है। आपने जैसे गौर किया होगा कि हमारे मन में भी कई ख्याल उत्पन्न होते हैं, आएंगे जाएंगे, एक थॉट आया नहीं कि दूसरा उसके बाद तुरंत प्रोजेक्ट हो जाता है, तीसरा उसके बाद तुरंत आके चिपक जाता है। ये थॉट जो है वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट होते हैं, दिखाई देते हैं, तो ये मन की प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार से जब यहाँ संसार रूपी ख्याल को रचा गया, तो ये कल्पना किसकी कल्पना है, वो सृष्टि रचयिता अक्षर ब्रह्म की है। हमारी कल्पना के अंदर हम भी स्वप्न में कई ब्रह्मांड देख सकते हैं, इसी तरह ये अक्षर ब्रह्म की कल्पना के अंदर कई प्रकार के ब्रह्मांड को वो रचाते और मिटाते हैं। किंतु ये बात हमें कैसे पता चली, ये महामती श्री प्रेरणा जी के तारतम्य ज्ञान से है, श्री सतगुरु स्वरूप की कृपा से, उनके गुरुगम के द्वारा हमें ज्ञात हुई है। अन्यथा एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि इस प्रकार से पहुंच नहीं सकती, विवेचन नहीं कर सकती। इसीलिए तो कहा कि जो नहीं अक्षर को जागृत में, जो अक्षर ब्रह्म जागृत में होते हुए भी लीला को जान नहीं सकते, वो स्वप्न बुद्धि वाले जीवों को पता है। ये कैसे आश्चर्य की बात है, किंतु ये सब कुछ संभव हो सका तो सतगुरु और श्री प्रेरणा जी के तारतम ज्ञान की देन से हुआ है। हे साथियों, जिस प्रकार से अगर हमें पूछा जाए कि लाइट हमारे घर तक कैसे पहुंची, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिसने उस लाइट को इन्वेंट किया, उसने खोज करते हुए सब कुछ कैसे इसको पहुंचाना, क्या माध्यम से पहुंचाना, वो सब उसने देख लिया। हमें तो क्या करना है, उस रोशनी के प्रकाश में देखने का काम करना है। इसी तरह तारतम ज्ञान को उतारने की जो मेहनत की गई है श्री प्रेरणा जी सतगुरु के द्वारा, उसे उतारने की मेहनत सतगुरु की है तो फैलाने की मेहनत श्री प्रेरणा जी की है। किंतु यहाँ पर जो जितना उन्होंने हम आपके लिए किया, सारे सृष्टि के कल्याण हेतु किया है,
तो हे सात जी, वो मेहनत उनकी है परंतु उनके तारतम ज्ञान में देखने की मेहनत हमारी है, कार्य करने की मेहनत हमारी है। और इसीलिए हम ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि श्री प्राणनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा, बल्कि जो कहा है उसका अमल करते हैं। कभी यहां कहा कि ए रचियो माया ख्याल, ऑल दिस इज एन इल्यूजरी वर्ल्ड, ये एक ख्याल की भांति रचा हुआ है सृष्टिकर्ता ने, तारतम ये पहचान करा रहा है। ए मन रे मन त्रिशा न बूझे तेरी जा जुए। अब श्री प्राणनाथ जी अपने मन को और गहराई में समझाते हैं। तेरे अंदर जो त्रिशा माने तृष्णा है, हम दो शब्दों से वाकिफ हैं, इच्छा और तृष्णा। एक हो तो इच्छा कहेंगे, बहु मात्रा में हो तो इच्छाएं कहेंगे, एक के बाद एक इच्छा आती है। किंतु जब ये इच्छा ही हमारे मन का स्वभाव बन जाता है, एक प्यास होती है कि एक के बाद एक वस्तु को हम पाते रहें, एक मिलता है तो दूजे की इच्छा करते हैं, फिर वह भी मिल जाए तो तीसरी वस्तु की इच्छा करते हैं। तो इस तरह जब मन का स्वभाव ही ये बन गया कि उसे वस्तुओं की प्यास हो चुकी है, हरदम पाने की आकांक्षा जुड़ी हुई होती है, तब उसको तृष्णा कहा जाए। किंतु हम इच्छा को मार नहीं सकते, तृष्णा को मार नहीं सकते। इच्छा तृष्णा तो प्राणों के अंत के साथ ही अंत होती है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी इस तृष्णा के मूल को समझा रहे हैं। रे मन त्रिशा न बूझे, अगर हम ये सोचे कि हमने जितनी इच्छा अपनी पूर्ण की है तो कहीं ना कहीं हमारी तृष्णा बुझ जाएगी, मिट जाएगी, किंतु ऐसे हमारी तृष्णा कभी बुझेगी नहीं। तेरी जा जुए, क्यों? जिस तरह मृगजल किसी भी वस्तु का प्रतिभास हो, उस वस्तु के बिना उसके प्रतिभास से क्या हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है? पानी की प्यास हो लेकिन सामने मृगजल हो तो क्या इस मृगजल के द्वारा प्यास की पूर्ति होगी? जैसे वस्तु को पाए बिना हमारी तृष्णा मिटेगी नहीं, इसी तरह प्यास लगती है तो बिना पानी के मृगजल के आधार से हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती, प्यास बुझती नहीं। वैसे ही संसार है, ये एक अग्नि कुंड की भांति है कि जितना आप उसमें घी डालते उतनी ही इच्छा और भी धधकने लगती है, जैसे अग्नि धधकती है उस कुंड के अंदर में। यहाँ की कईयों वस्तुओं को हम पाते जाएं, सोचिए बाल्यकाल से एक लिस्ट बनाइए कि हमने कौन कौन सी वस्तुओं की इच्छा की और वो सारी वस्तुएं हमको मिलती गई, मिलते 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 आज दिन तक जो भी हमारी आयुष्य होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर हम स्वयं को प्रश्न करते हैं कि क्या मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, चलो नहीं भी हुई तो कितनी बाकी है, अगर ये प्रश्न किया जाए तो मन क्या कहेगा? ये मन तो अभी भी उतना ही चंचलता से कहेगा कि नहीं, मेरी तो एक और लिस्ट पेंडिंग है इच्छाओं की, क्योंकि इसका कभी पार आ नहीं सकता। हे साथियों, श्री प्राणनाथ जी अत्यंत गहराई में जाकर अपने मन को समझा रहे हैं कि तू चाहे जितनी तृष्णा कर ले, चाहे जितनी इच्छाओं को प्रकट कर ले, वो कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगी, बल्कि जितना इसको पूर्ण करने की ओर हम जाते हैं उतनी ही इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए। अब अगर ये प्रश्न आता है कि ऐसा धनी ने क्यों कहा, तो फिर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि कभी भी आप अपने प्रतिबिंब को, परछाई को पकड़ नहीं सकते, जो असली वस्तु है उसे पकड़ पाएंगे। अपना हाथ पकड़ लीजिए तो पकड़ सकोगे, किंतु हाथ की परछाई जहां पड़ रही है उस परछाई को पकड़ने जाइए
उसे पकड़ नहीं सकोगे। तो इसी कारण से कहा कि ये संसार वास्तविक न हो करके एक परछाई स्वरूप है, प्रतिबिंब स्वरूप है। जैसे प्रतिबिंब को पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे संसार के अंदर हम किसी भी वस्तु को ऐसे पकड़ते पकड़ते लगता है कि मैंने पकड़ लिया, पा लिया, किंतु मन की तृष्णा उससे मिटती नहीं। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर कोई जल में ही जन्मा हो, उसका शरीर, उसके गुणंग इंद्रियां जल को उपभोग करने के अनुकूल हो, विच आर एडेप्टेबल टू वाटर, ऐसे जल में रहने वाले जलचर वो जल के बिना रहेंगे कैसे? वो तो जल के बिना मर ही जाएंगे उनको जल से दूर करते ही। जो तू करे अनेक उपाय, हे मन, श्री प्राणनाथ जी स्वयं के मन को संबोधित करते हैं, तो अनेक अनेक उपाय कर ले, किंतु यहां दुनिया के जो लोग हैं उनको अगर सत का मार्ग दिखाने का तू प्रयास भी करे, और ये इच्छा तृष्णा को बुझाने की बात भी करे, भक्ति मार्ग में लीन होने की बात भी जो तू करे, किंतु ये माया के जलचर हैं, वो माया के बिना रह नहीं पाएंगे। इस माया से केवल और केवल वही निवृत्त हो सकता है जिनके अंदर एक चाहना हो कि मुझे इस माया के दलदल से कोई बाहर निकाले। इसके बिना लाखों प्रयास करने से भी वो जलचर जल के बिना नहीं रहेंगे और माया के चर माया बिना नहीं रहेंगे। तो हे महामती, तू किनको समझाने का यहाँ प्रयास कर रही है? उन्हें समझा जो कि इस माया से दूर होना चाहते हैं, माया से परे जाना चाहते हैं, जो माया को ही हमेशा भोगना चाहते हैं, उनके ऊपर ये इच्छा तृष्णा आदि की बातों को समझा करके तुझे क्या हासिल होगा? रे मन सृष्टि सकल सुपन की, क्योंकि हे मेरे मन, सारा संसार जो बना हुआ है वो तो अक्षर ब्रह्म के स्वप्न के अंदर बना है। क्षण में देखे पल में मिटावे, इस प्रकार से कईयों ब्रह्मांड को वो बना करके मिटा भी देते हैं पल मात्र के अंदर। तू करे तामे पुकार, हे इंद्रावती सखी, तू यहाँ पर इनके बीच में पुकार कर रही है? ये संसार के सभी जो लोग हैं वो क्या इस माया से दूर होना चाहते भी हैं, या फिर सदा सर्वदा इसी माया में रहना चाहते हैं? असत सत को ना मिले, इसीलिए हे महामती पहले तो ये देख ले कि सत और असत कभी मिल नहीं सकते, रात दिन कभी जुड़ नहीं सकते, अंधेरा और प्रकाश कभी एक बर्तन में नहीं रह सकते। और इसी प्रकार से झूठे कलाने वाले यहाँ के जीव कभी भी उन सत ब्रह्म सृष्टि की चाल को चल नहीं सकते, सत ब्रह्म सृष्टि के व्यवहार में चल नहीं सकते, सत धाम को वो पा नहीं सकते। तू छोड़ आप विकार, तो हे महामती दर्जा में पहुंची हुई इंद्रावती, अपने आप के विकार को पहले परित्याग कर दो, अपने मन को सर्वप्रथम निर्मल बनाओ। धनी ने ये क्यों कहा? क्या इंद्रावती सखी को और भी विकार को दूर करने की आवश्यकता है? वे तो सारी सृष्टि का कल्याण करने हेतु पधारे हैं। अपने 3 वर्ष के तपस के माध्यम से उन्होंने परात्मा तक को साक्षात्कार कर लिया, विकारों को हटा करके। ऐसे महामती श्री प्राणना जी कहते हैं कि तू अपने विकारों को दूर कर, किंतु ये क्यों कहा? विकार उनमें नहीं, विकार जो हम आप श्रवण करते हैं हमारे अंदर में है, और इन विकारों को दूर करने के लिए श्री प्राणनाथ जी पहले अपने आप को संबोधित करते हैं और फिर तत्पश्चात हमें समझाते हैं। ये सारा जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जिस किसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं,
वैसा ही नजर में आता है। अगर अच्छा देखने का प्रयास करते हैं तो अच्छा ही नजर में आएगा, और बुरा देखने का प्रयास करते हैं तो बुरा ही नजर में आएगा। वास्तविकता पूछी जाए कि यह अच्छा है या बुरा, दोनों है। दोनों होने के बाद भी हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, हम क्या अपनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। किसी को अगर कहा जाए अच्छाई अच्छा ढूंढ के लाओ तो उसे कुछ भी अच्छा ना मिले। युधिष्ठिर और दुर्योधन के जो दृष्टांत के अंदर यही तो हुआ था। किसी को अगर बुराई बुरा ढूंढने कहा जाए तो उसे भी पूरा बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ अच्छे और बुरे का ब्लेंड है, देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ। इसीलिए यहाँ पर कोई एक वस्तु ना मिल करके हम जो अपनाते हैं वो हमें मिलता है। श्री इंद्रावती सखी स्वयं के मन को संबोधित करती हुई कहती है कि हे मन, अपने विकारों को छोड़, दुनिया को बोलना, दुनिया को समझना छोड़कर सर्वप्रथम अपने आप पे ध्यान दे और अपने मन के विकारों को तू दूर कर ले, क्योंकि माया के जीव माया में ही रहेंगे। लाख उठाने का प्रयास करो फिर भी वो माया के इस मोहजल को छोड़ नहीं सकेंगे। किंतु हाँ, अगर तुम परम धाम की हो, अगर तुम्हें संसार से पार होना है, तो अवश्य एक बात ध्यान में रख, हे इंद्रावती सखी, जैसे मोहजल के जीव मोहजल को छोड़ नहीं सकते, तो उस ब्रह्म धाम के वासिंदा सखियां ब्रह्म धाम को कैसे छोड़ के बैठेंगी। जिनका घर जिसमें है वो अपने घर को परित्याग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हे महामती, हे इंद्रावती सखी, तू स्वयं अपने आप के विकारों को परित्याग कर इस मन को निर्मल बना, प्रभु भजन के द्वारा, धनी की भक्ति के द्वारा, उनके नाम को अपने अंदर में उतार करके, यही एकमात्र उपाय है। और इसीलिए कहा कि निष्दिन ग्रहिये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। यही उपाय है कि इस मन को हम विकार से रहित बना सकें। और भी आगे श्री प्राणनाथ जी इस मोहजल और इस मन के कनेक्शन को बताते हैं। तरह तरह से संबोधन इसीलिए करते हैं ताकि हर साधक की अपनी अपनी सोच विचार धारणा होती है, और हर साधक को किसी न किसी अलग प्रकार से अवश्य समझाया जा सकता है। तो भांति भांति से धनी उसी विषय में प्रकाश डालते हैं। However, the underlying message is the same, कि अपने मन के विकारों को दूर कर इस चित्त को पावन बनाने का हमें प्रयास करना है। तो सुंदर शाह जी, इन सद्वचनों को हम ग्रहण करते हैं, श्री प्राणनाथ जी की इसी वाणी को हृदय में उतारते हैं और उनके अनमोल सद्भावनाओं को, सद्वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए आज के इस सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं। रे मन सृष्टि सकल सुपन के तू करे तामे पुकार, असत सत को ना मिले तू छोड़ आप विकार, तू छोड़ आप विकार। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।